इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न नंबर 9 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए प्रश्न नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है कि यदि राम 4096 रुपए 18 महीने के लिए 12.2% वार्षिक दर पर उधार देता है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ज्ञात कीजिए कि राम कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स प्रश्न हमारा बहुत ही आसान है। देखिए हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमें दिया गया है उसको लिख लेते हैं। हमें इसमें मूलधन दिया गया है कितना, 4096 रुपए। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे कि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल यानी पी ये हमें दिया गया है 4096 रुपए। और इसके अलावा हमें दर क्या दिया गया है उसको भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं। दर यानी रेट ये हमें दिया गया है 12.2% वार्षिक। ठीक है, तो ये भी हमने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो हमारा ये दर है ये 12.2% वार्षिक है, लेकिन प्रश्न में हमें क्या कहा गया है कि जो हमारा ब्याज है वो अर्धवार्षिक संयोजित है, लेकिन हमारा दर तो वार्षिक है, तो इसलिए हमें इस दर को भी अर्धवार्षिक में करना पड़ेगा चेंज। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करेंगे। जो हमारा 12.2% वार्षिक है इसको यहाँ पर हम साधारण विधि में बदल देते हैं। तो कैसे बदलेंगे, 12 × 24 और 1 = 25, यानी ये हो गया 25/2। ये 25/2% हमारा आ गया, इसको हमने क्या किया है साधारण विधि में बदल दिया है। अब हम अर्धवार्षिक में कैसे चेंज करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अर्धवार्षिक में दर को चेंज करने के लिए हम 2 से भाग कर देते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे और ये हमारा यहाँ पर गुणा का चिन्ह आ गया। ये हमने यहाँ पर 2 से भाग किया है। ठीक है, तो देखिए हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 25/2 × 2 यानी 4। तो 25/4% ये हमारा हो गया अर्धवार्षिक। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए इसके अलावा हमें इसमें समय क्या दिया गया है उसको भी लिख लेते हैं। समय यानी कि N, ये हमें कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया है 18 महीने। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे कि ये हमें 18 महीने जो समय दिया गया है इसको भी अर्धवर्ष में चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये महीने को वर्ष में चेंज कर देंगे। कैसे करते हैं महीने को वर्ष में चेंज, जो हमारा महीना होता है उसमें 12 से भाग दे देते हैं। तो ये हमारा 6 × 12, ये 6 × 3 = 18, कितना आ गया 3/2 वर्ष। ठीक है, अब हमें इसको अर्धवर्ष में चेंज करना है, तो समय को अर्धवर्ष में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम 2 से गुणा कर देते हैं। तो ये हमारा 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा 3, और ये हमारा 3 क्या हो गया अर्धवर्ष। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर दर को भी और समय को भी अर्धवार्षिक में बदल दिया। अब हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, कुल राशि। तो यहाँ पर देखिए हम कुल राशि कैसे ज्ञात करेंगे, कुल राशि यानी कि ए, ये हमें ज्ञात करना है अमाउंट, तो ये हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब अमाउंट हमें यानी कि कुल राशि हमें ज्ञात करना है, इसके लिए हम क्या सूत्र लगाते हैं, ए इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 + R/100^n, यही सूत्र होता है। तो देखिए यहाँ पर हम इस पे मान रख देते हैं पी यानी कि प्रिंसिपल कितना है हमारा 4096, और ये हमारा ब्रैकेट में 1 + R, R का मान कितना है आप देख सकते हैं, ये हमारा है R यानी कि 25/4, और ये हमारा 100 नीचे बटे में पहले से है तो इसको भी यहाँ पे हम लिख लेंगे। ठीक है, और इसकी घात कितनी है N, और N का मान कितना है हमारा ये यानी 3 अर्धवर्ष। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये हम इसको सॉल्व कर लेंगे यहीं पे, ये 25 × 25 और ये 25 × 100 कट जाएगा हमारा 25 के पाड़े से। अब यहाँ पे ये हमारा 4096 ब्रैकेट में ये 1 + ये ऊपर 1 बचा है और बटे में 4 × 4 यानी 4 × 16 और इसकी घात 3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा 4096 ब्रैकेट में इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये 16 का 1 से गुणा, 16 × 16 + 1 कितना हो गया 17/ ये हमारा 16 और इसकी घात 3। अब यहाँ से देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा 4096 और ये ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लग जाएगा और ये हमारा 17/16 कितनी बार लिखा जाएगा 3 बार। आपको पता है जैसा कि 3 बार हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसकी घात 3 है।
तो अब यहाँ से हम देखिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम क्या करेंगे, 16 के पहाड़े से काटेंगे। ये 16 एकम 16 और 4096 16 के पहाड़े में कितनी बार में आता है, देखिए हम यहाँ पर कैसे करेंगे इसको, 16 से भाग देकर 4096 में पता कर लेंगे। तो ये 16 दुना हो गया हमारा 32, ये 8 बचेगा, ये 9 तारा हमने, ये 16 पंजे 80 हो गया, ये 9 और ये 6 हमारा, 16 छिक 96, तो कितना आ गया, कितनी बार में, 256 बार में। तो ये हमारा 16 के पहाड़े में 256 बार में आ गया। अब देखिए इसी तरह से हम ये 16 एकम 16 और ये 256 कितनी बार में आता है 16 के पहाड़े में, देखिए हम यहाँ पर भाग करके देख लेते हैं, ये हमारा 256, अब ये हमारा 16 एकम 16 हो गया, कितना बचेगा 9 और ये 6, तो 16 छिक 96, तो ये हमारा कितनी बार में आ गया, 16 बार में। तो ये हम यहाँ पर 16 बार में काट दिए। अब ये हमारा 16 एकम 16 और ये 16 एकम 16, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या बचा, 17 × 17 × 17, यानी कि ये 17 × 17 × 17 तीनों को अगर हम गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4913 रुपए, ठीक है। ये आ गया हमारा अमाउंट यानी कि कुल राशि। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, हमें क्या पूछा गया है प्रश्न में कि राम कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा, तो ये जो राशि है यही प्राप्त करेगा राम। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि अतः राम कुल राशि प्राप्त करेगा, कितनी करेगा, जैसा कि हमने यहाँ पर अभी बताया कि 4913 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न नंबर 9 का हल कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए। और कहीं पर भी कोई डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।